Welcome to Ravi sir's maths lab. In the previous class we have used these sticks. These are the coconut leaves. Jhadu marte hai na, jhadu ke liye use karte hai bahar, front yard mein, backyard mein, bahar ka jo jhadu use karte hai ye hai sabhi. सो इसके साथ लास्ट ईयर लास्ट क्लास में हमने एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो सभी देख लिया है. अभी हम ट्रायंगल्स देखेंगे. राइट, ट्रायंगल के लिए थ्री साइड्स चाहिए. थ्री साइड्स, एक एक स्टिक, एक एक साइड समझो. तुमको और साइड्स चाहिए तो आई विल ब्रिंग अ फ्यू मोर थिंग. सो आई एम नॉट measuring the things, I am just putting some I am making some sides, line segments. These are the line segments. Okay, so to make a triangle we need only three, because tri means three. Three sides, with 1, 2, 3 sides are needed. So pehle ek base jaisa lagao. एक बेस है जहाँ ये बेस है एंड ये एक साइड है एंड ये एक साइड है. अभी ये साइड नहीं हुआ ना, इसको और सा थोड़ा कम करो. सो ये एक ट्रायंगल है. ओके, दिस इज़ वन साइड एंड दिस इज़ वन साइड एंड ओके, थ्री साइड्स आर देयर. Each line segment we call it as a side. This is one side, one side, one side, one side. Three sides. And इसका बीच में भी क्या है, इधर एक एंगल है. देखो, this is one angle and this is one angle and this is one angle. Three angles are there. So 1, 2, 3 angles and one side, second side and third side. Three sides and three angles will be there. Okay, this is one type of one triangle. This is a triangle, right? So now let us see these sides are equal or not. Now if you just see, all the three sides are unequal. They are not equal. एक छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है. सो ये तीनों साइड्स अनइक्वल है. सो अभी अनइक्वल के टाइम पर क्या होता है, दिस वी कॉल इट एज ए स्कैलिन ट्राइंगल. स्कैलिन ट्राइंगल, स्कैलिन ट्राइंगल मीन्स उसमें तीनों के तीनों साइड्स अनइक्वल रहता है. आपको पिक्चर में इक्वल दिख रहा है, बट इफ़ यू जस्ट सी हियर ना, यू जस्ट मेजर इट, आपको क्या है, क्या दिख रहा है, तीनों के तीनों अलग साइड्स है. राइट, अलग साइड्स है. सो इफ़ यू आर मेकिंग विद दिस ना, यू विल बी गेटिंग ए स्कैलिन ट्राइंगल. स्कैलिन ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल, थ्री एंगल्स आर अनइक्वल. नाउ लेट अस से इक्वल साइड ले लेंगे. दिस इज या दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल. सो अभी ये टू साइड्स के इक्वल, हम एक साइड कुछ ना कुछ साइड ले लो, बहुत सारा है. सो ऐसा ले लेंगे. सो देन क्या होता है, सो ये आइसोसेलस ट्राइंगल होता है. आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल रहता है. लेट अस सी अदरवाइज, ये बड़ा देखेंगे. सो बेस कुछ भी हो, ये दोनों साइड्स इक्वल है. देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है. सो टू साइड्स इक्वल है तो हमको क्या आता है, वी विल बी गेटिंग आइसोसेलस ट्राइंगल. आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है. सो दैट मीन्स थ्री साइड्स आर अनइक्वल मीन्स, इफ द थ्री साइड्स आर अनइक्वल स्कैलिन ट्राइंगल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन आइसोसेलस ट्राइंगल. समझो व्हाट हैपेंस इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. नो अभी दोनों साइड्स इक्वल है, और एक मैं इक्वल साइड बनाऊंगा इनके साथ, इक्वल साइड बनाऊंगा. सो I made three equal size. Okay, तीनों equal है, sizes equal है, आप देख सकते हैं. Right? So then, इसके साथ आप triangle तैयार करो, then what happens?
you will be getting equilateral triangle. Equilateral triangle. So triangle ऐसा भी बना सकते हैं, कैसे तो भी बना सकते हैं. Equilateral triangle. Equilateral triangle में क्या होता है, ये तीनों sides equal है, तीनों sides equal है, इधर जो angle है वो भी equal है. ये total angle 180 होता है ना, so total angle 180 होता है, इसीलिए each angle 180 divided by 3, 180 divided by 3, 60 degrees होता है, each angle 60 degrees होता है. So this is equilateral triangle. Equilateral triangle में सभी three sides, all the three sides are equal, three angles are also equal. Now one more thing we will see. अभी ये right angle है, that means this angle is 9, perpendicularly is है ना right angle. So इसको हम क्या कर सकते हैं, so you cannot have a side, proper side चाहिए हाँ. So थोड़ा बड़ा हो गया है, no problem, इसको निकाल के छोटा लगाएंगे. So isosceles triangle में ये पाइथागोरस थ्योरम इन्वॉल्व होता है, वन एंगल 90 डिग्रीज है, वन एंगल 90 डिग्रीज है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इधर थोड़ा ज़्यादा है. सो एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल. सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूस. सो अभी ये दोनों साइड्स ऑब्ट्यूस है, आई विल टेक अ स्मॉलर साइड हियर सो दैट आई कैन यूज. सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल. सो ये ट्राइंगल हम जोड़ेंगे तो क्या होता है, आई एम नॉट गेटिंग इट, या दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बिकॉज दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल. ओके सो नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, स्कैलन ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, देर इज वन मोर ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन, से दिस इज एक्यूट, दिस एंगल इज एक्यूट, लेस देन 90 डिग्रीज, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्रीज. सो ये एक्यूट एंगल है. सो इफ यू पुट वन मोर साइड हियर वॉट हैपन्स, यू विल बी गेटिंग ऑल द थ्री साइड्स आर एक्यूट एंगल्स. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल वी कैन कॉल इट एज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स में ऑल द थ्री एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्रीज आर एक्यूट एंगल. सो एंगल्स के ऊपर ट्राइंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं, इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल वी कॉल इट एज इक्विलेटरल आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल ऑल्सो, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल ऑल्सो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्सो वी कैन हैव इट. ओके इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन आइसोसेलस ट्राइंगल वी कैन हैव इट, आइसोसेलस ट्राइंगल. इफ वन एंगल इज 90 डिग्रीज वी कैन कॉल इट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल वी कैन कॉल इट एज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. दिस इज एंगल के बेसिस के ऊपर हम ट्राइंगल्स डिफाइन करते हैं. सो देन साइड्स के ऊपर कैसा डिसाइड करते हैं, इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल स्कैलन ट्राइंगल, अनइक्वल सॉरी, इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलस ट्राइंगल. If all the three sides are equal, then what happened? It is equilateral triangle. So these are the types of triangles. इसको क्या करना है, आप ये स्टिक्स लेके सभी ट्राइंगल्स, सो आई विल लिस्ट आउट द ट्राइंगल, वन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, स्कैलन ट्राइंगल, ये सभी ट्राइंगल्स एक ऐसा एक वाइट पेपर के ऊपर, एक वाइट पेपर ले लीजिए, अच्छा एक वाइट पेपर ले लो, देन ऐसा ये बड़ा हो गया है, उसको और कट कर सकते हैं, कट करके
सभी ट्राइंगल्स बनाओ, राइट। सो सभी ट्राइंगल्स बनाओ, बना के इसको स्टिक कर सकते हैं, ग्लू से स्टिक कर सकते हैं। अभी नाउ आई एम मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, इसको तुमको जैसा चाहिए उसको कट कर सकते हैं, राइट। कट करके बिकॉज इट इज़ ईजी टू ब्रेक एंड इट इज़ हार्मलेस, ऐसा करना है इसको ऐसा करके। सो दिस इज ऐसा स्टिक करो, बाद में नीचे राइट एंगल ट्राइंगल लिखो। वैसा सभी ट्राइंगल्स, सभी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आप कर सकते हैं, राइट। यू कैन दिस चार्ट, यू कैन मेक इट चार्ट, मीन दिस इज ए फोर शीट है। ए फोर शीट के ऊपर आई हैव मेड ए नाइस राइट एंगल ट्राइंगल। सो नीचे राइट एंगल ट्राइंगल का करना है, ये राइट एंगल दिखना है, ओके। वैसा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा सभी ट्राइंगल्स इधर आप पेस्ट करके एक प्रोजेक्ट जैसा बना सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्टिविटी इन मैथ्स इन रवि सर लैब। लेट अस सी, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।